नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। टेक्निकल अग्राव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक नया सर्किट डायग्राम लेकर के आया हूं। वो सर्किट डायग्राम है आपका पसंदीदा एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम। तो ये है मेरे पास सर्किट डायग्राम, आप देखिए। ये है आहूजा पब्लिक एड्रेस एम्पलीफायर विद कैसेट प्लेयर, मॉडल नंबर इसके SSB 60, आउटपुट 90 वाट मैक्सिमम। तो देखिए, ये इसका मेन ट्रांसफार्मर सप्लाई के लिए, ये ट्रांसफार्मर है मेन सप्लाई का ट्रांसफार्मर, 12 वोल्ट DC बैटरी ऑपरेटेड, 12012 का ट्रांसफार्मर है ये। यहाँ पर इसकी DC सप्लाई बनी हुई है, देखिए DC सप्लाई यहाँ पर बनाई गई है। और ये है इसका सर्किट डायग्राम, ये आप देख पा रहे हैं। आउटपुट ट्रांसफार्मर जहाँ पर हम स्पीकर वायर कनेक्ट करते हैं, तो दोस्तों इस सर्किट डायग्राम पर मुझे काफ़ी कमेंट आप लोगों के मिल रहे थे, तो मैंने आज ये सर्किट डायग्राम आपके लिए ड्रा नहीं किया है। और क्योंकि मेरे लिए काफ़ी इम्पॉसिबल था ये ड्रा करना, काफ़ी लंबा चौड़ा इसका सर्किट डायग्राम होता है, तो बनाना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने बुक से ही दिखाने के लिए आपको बनाया ये वीडियो। तो देखिए, इसमें दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं आउटपुट में, ये 21 3055 और ये 216292, ये दो ट्रांजिस्टर यू और लगे हैं इसमें। दोस्तों सभी, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको सर्किट डायग्राम दिखाए, सभी में सेम होता है, सर्किट डायग्राम सेम सा ही है, बट थोड़ा सा चेंजिंग आता है। जैसे जैसे एम्पलीफायर के वाटेज बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसके जो कंपोनेंट उसमें लगे होते हैं उनकी वैल्यू में चेंजेस आता रहता है। और थ्योरी सेम ही है, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर इसका, तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर की सप्लाई को देखिए, ये एक जेनर डायोड से रेगुलेट किया गया है। और यहाँ पर ये प्रीसेट दिया हुआ है 470 ओम का। देखिए, आउटपुट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को सप्लाई दी गई है पॉजिटिव सप्लाई, और नेगेटिव सप्लाई इसके एमिटर को दी गई है। तो सेम सा सर्किट डायग्राम है। इधर आगे देखिए, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर एक प्रीसेट लगाया गया है 10K का, और सेम सा ही सर्किट डायग्राम है। दोस्तों इस टॉपिक पर मुझे काफ़ी कमेंट आप लोगों के बार बार मिल रहे थे, तो मैंने आपको बुक से ही सर्किट डायग्राम दिखाया है। और ये 90 वाट का 90 वाट एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है। इसमें ये ट्रांजिस्टर बेस स्टेबल, इसमें और मास्टर भी, मास्टर वॉल्यूम यहाँ पर लगाया गया है, ये देखिए, ये ट्रेबल और ये बास के लिए। और इधर ये माइक का सर्किट डायग्राम है, इसमें 4 माइक्रोफोन हम यूज कर सकते हैं, माइक 1, माइक 2, माइक 3, माइक 4। तो ये है 90 वाट का सर्किट डायग्राम। तो आप इसे अच्छी तरह से देखिए, ये देखिए, इसमें 4 माइक हम यूज कर सकते हैं, और सभी कंपोनेंट की जैसे जैसे एम्पलीफायर के वाटेज बढ़ जाते हैं, वैसे वैसे उनके कंपोनेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे आउटपुट में पिछले जो कम वाटेज के एम्पलीफायर होते हैं, उनकी आउटपुट ट्रांजिस्टर को जो ग्राउंड किया जाता है, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज होता है। देखिए,
पिछले वीडियो में मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग थी, तो और कोई खास डिफरेंस इसमें नहीं है। तो आप इसे अच्छी तरह से देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ अच्छी तरह से। दोस्तों इसकी सर्किट डायग्राम की हमें ज़रूरत क्यों होती है? या तो हमारे एम्पलीफायर में या सर्किट बोर्ड जो भी होता है उसमें जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो या तो जल जाते हैं और हमें उनकी वैल्यू का पता नहीं होता, तो फिर हमें सर्किट डायग्राम का सहारा लेना पड़ता है और उसमें हम उसकी वैल्यू देख करके नया कंपोनेंट लगा सकते हैं। और दूसरा, जब हम वायरिंग करते हैं तब भी हमें सर्किट डायग्राम की ज़रूरत पड़ जाती है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने 75 वाट का सर्किट डायग्राम दिखाया था, उसमें और इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो वो वीडियो, पिछले वीडियो आपने नहीं देखे तो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये है, देखिए प्री एम्पलीफायर आउट का यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी एम्पलीफायर में होते हैं सभी इसमें दिखाए गए हैं, और इनको देख करके हम एम्पलीफायर की वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों यूनिसाउंड या आवजा का एम्पलीफायर बहुत ही पॉपुलर एम्पलीफायर होता है, और एक सर्किट डायग्राम की हमें ज़रूरत तब भी पड़ती है जब किसी मैकेनिक या किसी ने कंपोनेंट की वैल्यू को चेंज कर दिया है, तो हमें सर्किट डायग्राम की ज़रूरत होती है। ये इसके एलईडी है, बारह वोल्ट डीसी से एम्पलीफायर काम करता है। तो दोस्तों आपने सर्किट डायग्राम देख लिया, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे सभी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।